अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? टिकटॉक वाले में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। तो आज हमारी बेगम ने पार्टी दी है, ठीक है ना। बेगम ने पार्टी दी है और किस खुशी में दी है मैं आपको बताता हूँ। कि भाई खुशी ये है कि भाई आज हमारी जो है वो एनिवर्सरी है, ठीक है ना। तो उसकी खुशी में बेगम ने हमें पार्टी दी और बेगम हमारे लिए भाई शर्ट लेकर आए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये भाई माशाल्लाह शर्ट लेकर आई है। बेगम साहिबा ने बोला भाई मैंने आपको गिफ्ट नहीं दिया, तो ये मेरी तरफ से। और हमारी बिट्टो रानी हिबा खान भी हमारे साथ है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई बाबा मुझे भी जाना है एनिवर्सरी पार्टी। ओए ओए भाई, इनको भी कहाँ जाना है? एनिवर्सरी पार्टी है भाई, इनको जाना है। तो भाई जल्दी से तैयार होते हैं, लाइट गई हुई है, ठीक है ना। हमने एक छोटा सा सिस्टम लगाया हुआ, मैं अगर आपको दिखाऊं तो भाई ये सामने लाइट जल रही होगी, ये सामने जो है ना बैटरी से जल रही है, ठीक है ना। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो अभी जल्दी से तैयार होते हैं और फिर मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद, ठीक है। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। तो फाइनली गाइज, आपका भाई तैयार हो गया। भाई कैसा लग रहा है कि नहीं? बड़ी बढ़िया लग रही है ना भाई, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। हमारी बेगम साहिबा की पसंद है आखिरकार, है कि नहीं? और आज बेगम साहिबा देखो कहाँ ट्रीट दे रही है, कहाँ नहीं दे रही है, ये तो हमें पता ही नहीं है। हम बेगम से पूछ पूछ के थक गए, लेकिन भैया नहीं बता रही है कि भाई कहाँ पर। बोलती है आप चलें, आप चलें, आप चलें। तो चलते हैं, चल के देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। फुल मजा आने वाला है, ठीक है ना, फुल मजा आने वाला है। तो जल्दी चलो, देर हो गई है। ये भाई दरवाजा बंद कर दिया, चलो भाई। तो लाइट लाइट गई हुई है और देखो कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, लेट्स सी। और मिलते हैं फिर आपको वहीं पर ही जाके ना, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। चलो भाई, हिबा खान भी रेडी हो गई, हिबा खान के चाचू भी रेडी हो गए और हम भी रेडी हो गए, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर मंदिर की तरफ और मिलते हैं फिर आपको कहाँ। ये अभी गुलशन वाला रोड जा रहा है और माशाल्लाह सारे भाई देख रहे हैं आप। पता नहीं है बेगम साहिबा कहाँ लेके जा रही है, हमें अपने बताया बेगम ने, अपने का पूछ लिया लेकिन नहीं भैया। चलो ये सामने आकर भी गुलशन की डिस्को देख ली, तो ये पास करते हैं, उसके बाद देखते हैं कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। फाइनली भाई मंजिल तक पहुँच गए और बेगम लेकर आई है भाई कबाब जी एक्सप्रेस, हमें तो पता ही नहीं था। चलो अंदर चलते हैं और चल के देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं। आओ आप इसको ले रहे हैं व्लॉग में, अब तुम्हारी बेगम देखेगी तो मुझे नहीं बताया। ये देखो ये क्या हो गया, सब क्या देखो लोग जो ना बेगमों से दिखना डरते हैं, ये आज हमें पता चला, ठीक है ना। जिंदगी बेगम गई हुई है घर पर और इनको हम ले आए यहाँ पे खाने के लिए ना, कबाब की बेगस्त माशाल्लाह जबरदस्त है सर। और कबाब की एक्सप्रेस ये नया मतलब लॉन्च किया कबाब की ने, और माशाल्लाह देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या नहीं है, आइटम कैसा है, कैसा है, ठीक है ना। अभी ग्रोथ हमने मंगा ली है और सुना ये है कि भाई ग्रोथ जो है ना यहाँ पर अल्पेक जिस जिस जो जो फ्लेवर है ना उसको मालूम है कि अल्पेक जो है वो क्या चीज़ है, इसकी टच कर आता तो बेगम साहब अगर मजा नहीं आया ना फिर मैं बताऊंगा आपको। अगर मजा नहीं आया तो पैसे आप दे दीजिए। ऐसे पैसे क्या बात है, मतलब सही बात है ना, अगर मजा नहीं आया तो वैसे आपके आपकी आपकी चॉइस थी कि भाई आप यहाँ लेकर आ रही हैं और उस तरह अपने बातें कर रही हैं कि भाई यहाँ का जो क्यों बोल रहे हैं, फिर आपको मजा आएगा जब मैं लेकर आएंगे। तो हमें शक हो रहा है ना, इसलिए हम कह रहे हैं आपसे, ये तो जब आएगा तो पता चलेगा कि भाई कैसा है कैसा नहीं है, क्या नहीं, क्या बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है नहीं। तो अभी पता नहीं यार कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट तो होगा और कितना बता सकते हैं। चलो इंतजार करते हैं, बातें कर लेंगे फिर बात करते हैं। अरे भैया मेरी बेटी जो है नाराज़ हो गई, और नाराज़ किस बात पे हुई है कि भाई इनसे जो है वो किसी ने पूछा नहीं। बताओ यार अब ये नाराज़ हो गई भाई, अब ये बताओ आपको मना कैसे सकते हैं हम, बता दें मुझे। चले बता दें आपको क्या खाना है, मैं आपको वो मंगा देता हूँ। हाँ कुछ तो बता दें, नहीं बताना देख लो फिर, नहीं कहना कि बाबा ने मुझसे पूछा नहीं। तो भाई आप क्या ऑर्डर करेंगे मुझे बताइए ना, आपको ब्रोश खाना है ना, आपके लिए ब्रोश तो ऑर्डर किया है, अपने लिए कुछ क्या खाना था? अच्छा बताएं मुझे, बताएं मैं वो मंगा देता हूँ। चले आप सोच लें भाई, इनको सोचने का टाइम देते हैं कि भाई ये क्या खाएंगी, फिर हम वो चीज़ मंगा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ठीक है। तो भाई फाइनली हमारा जो है वो ऑर्डर आ चुका है, और ऑर्डर में आप लोग देखें भाई ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई ब्रोस्ट देख रहे हैं आप, क्या क्वालिटी है भाई, ज़बरदस्त है ना, ठीक है ना। बन की क्वालिटी भी देख लो भाई, ये है बन इनका, बताओ ज़रा, ठीक है ना। दो ब्रोस्ट बोले थे और दो रोल हैं ये, और एक ये आपका ये जिंगर बर्गर,
बहुत बड़ा मजा आने वाला है भाई, देखने में तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है, मजा आ रहा है। क्या बात है भाई, देख रहे हैं आप लोग, इसके अंदर भी जो है वो मसाला नजर आ रहा है लेकिन बहुत गर्म है भाई। ये जो सॉस है ना, ये अल्बेक अल्बेक वालों का सॉस है जो कि ये कह है, बाकी ट्राई करेंगे तो पता चलेगा कैसा है कैसा नहीं। बन लेकिन मेरे को बहुत छोटा लगा यार, बन इनको बड़ा लेना चाहिए, बहुत छोटा लगा। अरे वाह, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है भाई, बहुत ही माशाल्लाह डिलीशियस और मजेदार, माशाल्लाह मजा आ जाए भाई, माशाल्लाह जबरदस्त हो गया भाई, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत है। और ये रेशमी कबाब अलग से पड़ा हुआ भाई, ठीक है ना। और ये ब्रोस्ट के देख लो आप, क्या पीस कर दिया हमने। और ये जो सॉस है ना, क्या ही बात है भाई इसकी, जबरदस्त मज़ा आ गया। तो इसको फिनिश करते हैं फिर बताते हैं। ओए होए होए भाई, ये देख रहे हैं आप, ऊपर से जितना कड़क है ना, अंदर से उतना ही जूसी है। ये देखिए जूसी जूसी नज़र आ रहा हूँ आपको ना, माशाल्लाह यार। वैसे ये क्वालिटी मुझे कहीं मिलती नहीं है, ठीक है ना, ना मैंने कहीं देखी है। क्या बात है भाई, ज़बरदस्त, मैं तो कह रहा हूँ भाई आप लोग लाजमी आके ट्राई करें, ठीक है ना, मज़ा आना है। और उनका जो स्पेशल सॉस है ना, ये वो लाजमी आप लोगों ने ट्राई करें, ठीक है ना, क्योंकि सारा मज़ा जो है ना वो सिग्नेचर सॉस के अंदर ही है। अगर आपने सॉस नहीं लिया ना तो हमने कुछ नहीं लिया भाई, मज़ा आ गया भाई। ये देखो हाय हाय हाय, ये सॉस के साथ डिप करने का, और सो डिलीशियस। ओए होए 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 होए, बिल आ गया भाई कितने का, 2230। अरे बाप बाप, चलो दे काम हो गया, बिल देते हैं फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं, कहाँ जाते हैं। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया, और बाइके वाइके निकालते हैं। ये सामने गुलशन चुरंगी है, ये गुलशन चुरंगी के अंदर हम लोग आए हैं भाई, बराजपुर, ठीक है ना, यहाँ से चलते हैं। और बच्चों को बोलते हैं भाई घर जाओ, हम दूसरी बाइक पर आते हैं, ठीक है। चलो बखान, ए बखान आप घर जाएँ, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है। चलो चलो चाचू के साथ जाओ जल्दी से, चलो चलो भाई निकलते हैं। और मैंने बोला यार बेगम को एक सरप्राइज़ देते हैं, बेगम ने जैसा हमारे को दिया ना ऐसा हम भी दे दे रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया बेगम आपका, आपने हमारे को बड़ी अच्छी पार्टी दी, तो मेरी तरफ से एक सरप्राइज़ आपके लिए, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर सरप्राइज़ के तरफ, फिर मिलते हैं आपसे, चलें। कोई होटल वोटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बेगम परेशान हो गई है कि यार हम जा कहाँ रहे हैं। भाई बेगम को हमने बोला था सरप्राइज़ है आपके लिए, कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ रहें। ये आ गया भाई, ये सामने जा रहा है भाई, ठीक है ना, यहाँ पर जा रही, चलो आप गाइस लुक चेक करें आप, ठीक है ना। और ये टेबल है भाई, ज़बरदस्त माहौल, बड़ा बेहतरीन है भाई, चिल माहौल है, ठीक है ना, सुकून है बिल्कुल, मज़ा आ रहा है। चाय मंगा के फिर मिलता है भाई। हमने बोला कि क्यों ना बेगम साहिबा को जो है वो सरप्राइज़ दिया जाए, और उन्हें उनकी ट्रीट के बाद हम एक ट्रीट दें, हम उनको जहाँ लेकर आए ना भाई, ये देखें आप, बेगम साहिबा के लिए कॉफ़ी लेकर आ गए हैं, और क्या ज़बरदस्त सेटअप है भाई, हाय 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 माशाल्लाह। है कि नहीं, कैसी लगी आपको जगह, मुझे पसंद आई होगी, ठीक है ना। तो भाई बेगम साहिबा कैसे लगा आपको सरप्राइज़, बहुत अच्छा भाई, बेगम साहिबा की पता नहीं आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये है बहुत अच्छा बोल दिया उन्होंने, तो एंजॉय करते हैं कॉफ़ी, फिर मिलते हैं आपसे। ओ वाह गाइस, फाइनली हम फारिग हो गए और जहाँ लोकेशन आ गए, क्या बात है,
जबरदस्त सब माशाल्लाह। क्या बात है भाई, जबरदस्त ऑर्डर आ गया। निकलते हैं घर और देखते हैं वहां पे क्या होगा। तो फाइनली गाइस पार्टी इज ओवर और घर आ गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भाई बड़ा मज़ा आया। बेगम ने ट्रीट दी तो उसके बदले में हमने बोला हम भी ट्रीट देंगे, ठीक है ना। आप लोगों ने देखा होगा तो कैसा लगा आप लोगों को व्लॉग, यकीन है आप लोगों को मज़ा आया होगा, एंजॉय किया होगा। तो भाई इसी तरह प्यार दिखाते रहिएगा और हमारे इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक कर दिएगा, ठीक है ना। हो सके तो कमेंट्स भी कर दिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़े। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, ठीक है ना। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलेंगे, चलते चलते बूम।